मैं थोड़ा पार्थिव भट्ट सर के बारे में बोलना चाहूंगा कि आपने एमडी काया चिकित्सा में की हुई है, आप प्रोफेसर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है आयुर्वेदिक कॉलेज वडोदरा में। आप काफी रिनोवेंट डॉक्टर हैं बड़ोड़ा के, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि डॉक्टर साहब प्लीज आप सेशन लीजिए और हम लोगों को थोड़ा आयुर्वेद के बारे में जानकारी प्रदान करें। डॉक्टर साहब अप टू यू। डॉक्टर साहब डॉक्टर पार्थिव भट्ट सर। जी धन्यवाद थैंक यू डॉक्टर साहब। जी। आज का जो हमारा विषय है वो थेरापेटिक एस्पेक्ट ऑफ योग है, तो प्रार्थना वैसे हमने काफी कर ली, लेकिन योग के जो अधिष्ठाता देव हैं भगवान धन्वंतरि पतंजलि, तो उसकी भी एक प्रार्थना हो जाए, उसके बाद हम शुरुआत करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य तु वै पुत्रेण, योपाकरं तं प्रवरं मुनिना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। मेरा सादर नमस्कार। आज का जो हमारा विषय है थेरापेटिक एस्पेक्ट ऑफ योग। हम सब लोग जो हैं वो थेरेपी चिकित्सा मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले ये हमारे लिए जानना आवश्यक है कि योग वास्तव में कभी भी चिकित्सा के लिए थेरेपी के लिए बना हुआ या निर्मित हुआ शास्त्र नहीं है। योग का मूल उद्देश्य जो हमारे बंधन हैं जन्म मृत्यु के, उनसे जो मुक्ति है वो मुक्ति का शास्त्र है। जैसे कि चरक संहिता के शरीर स्थान में भी हमें इसका उल्लेख मिलता है कि भाई योगे मोक्षे च सर्वसाम वेदनानाम अवर्तनम, मोक्षे निवृत्ति निशेष योगो मोक्ष प्रवर्तक। तो योग जो है, योग का उद्देश्य चिकित्सा शास्त्र में भी मोक्ष का प्रवर्तक ही बताया गया है। लेकिन फिर ये सवाल क्यों आता है कि भाई योग जो है उसके थेरापेटिक एस्पेक्ट की बात आती कहाँ से है? तो अगेन हम सब जानते हैं चिकित्सा में जब हम किसी भी चिकित्सा पद्धति का प्रयोग करते हैं या कोई दवाई का इस्तेमाल करते हैं या कोई भी औषधीय प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, तब हम जानते हैं कि उसकी एक हमारे लिए डिजायर्ड इफेक्ट होगी जिसके लिए हमने वो प्रक्रिया की है या जिसके लिए हमने वो दवाई दी है। लेकिन उसके अलावा उसकी कुछ साइड इफेक्ट्स भी होती है। तो योग जो है, योग की जो साइड इफेक्ट या मैं कहूंगा बाय प्रोडक्ट, वो हेल्थ है। तो योगाभ्यास करते करते जो योग शास्त्र है, जो योग का अभ्यास करने वाले योगी हैं, उन्होंने भी ये अनुभव किया कि योगाभ्यास करने से ही वो काफी सारे रोगों से मुक्त हो सके, अपने स्वास्थ्य का अनुवर्तन कर सके। तो शायद इस आधार पर या वहीं से योग का थेरेपी में उपयोग जो है वो होना शुरू हुआ, और धीरे धीरे आज तो ये हाल है कि शायद योग अपना मूल उद्देश्य जो है उससे शायद हट चुका है। योग का प्रमुख उद्देश्य ही शायद स्वास्थ्य हो चुका है। नाउ जब हम बात करते हैं योग थेरेपी की, तो वहां पर इसमें दो शब्द आते हैं, योग और थेरेपी। तो योग मुख्यतः जिसके 8 अंग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग माने जाते हैं। और इसके अलावा भी योग के अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार जो हैं वो देखे जाते हैं। राजयोग है, हठ योग है, ध्यान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है।
और ऐसे ही काफी सारे अलग अलग तरह के योग हैं। और थेरेपी जो है, थेरेपी का जो अर्थ है वो मूल रूप से दो हिस्सों में उसको विभाजित करना चाहिए। एक जो है कि जो पैथोजेनेसिस है, पैथोलॉजी है, जो हमारे शरीर में या हमारे मन में जो भी विकृति उत्पन्न हुई है, जो एबनॉर्मालिटी डेवलप हुई है, उसको समझना ये पहली आवश्यकता है। हम जानते हैं कि जब तक हम पैथोलॉजी को समझ नहीं पाते हैं, जब तक हम विकृति को समझ नहीं पाते हैं, स्वभावतः हम उसका जो है वो विघटन नहीं कर पाते हैं। और हम जानते हैं कि संप्राप्ति का विघटन करना ही मूल रूप में चिकित्सा है, थेरेपी है। सो थेरेपी इज अंडरस्टैंडिंग द पैथोलॉजी एंड ब्रेकिंग द पैथोजेनेसिस। सवाल यहाँ पर ये आता है कि जब हम योग थेरेपी की बात करते हैं तो वो कौन कर सकता है? तो वहां पर दोनों चीजें जो है वो महत्वपूर्ण है, जिनको योग शास्त्र का ज्ञान है और जो थेरेप्यूटिक्स में ट्रेंड है, जिसने थेरेप्यूटिक्स का ज्ञान भी प्राप्त किया है, उसकी तालीम भी हासिल की है और उसमें अपना नैपुण्य, अपनी कौशल्य जो है जिसने भी विकसित किया है, तब जाकर के ही वह योग थेरेपी कर सकता है। ये यहाँ जानना इसलिए जरूरी है कि हम लोग आयुर्वेद में पढ़ते हैं तो स्वभावतः हमारे अभ्यास क्रम के हिस्से में ही योग एक अभिन्न अंग है, तो हम थेरेपी के साथ साथ योग का अभ्यास कर लेते हैं। लेकिन जहां सिर्फ योग का अभ्यास करने वाले लोग भी होते हैं, जो योग को जानते हैं लेकिन जिन्हें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी का पता नहीं होता, पैथोलॉजी को ब्रेक करने का पता नहीं होता, वहां ये समस्या। इसीलिए ये आवश्यक है, योग थेरेपी तभी संभव है जब हम योग और थेरेपी दोनों को सही रूप में जाने। और इसीलिए जब शास्त्र में योग थेरेपी की जहां बात आती है, वहां पर यह स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि वैद्यः शास्त्रोक्त विधिना क्रियां कुर्वित यत्नतः कुर्यात् योग चिकित्सां च सर्व रोगेषु रोगविद्। योगी तब चिकित्सा कर सकता है जब वह सर्व रोग को जाने, तब योग चिकित्सा संभव है। जब तक हम रोग को नहीं जानेंगे तो योग चिकित्सा संभव नहीं हो पाती। कैसे कर सकते हैं योग चिकित्सा? तो उसमें मूल रूप में यहाँ पर भी यही जानना है, बेसिक पैथोलॉजी क्या है। तो हम जानते हैं ऑन अ ग्रॉस लेवल, मोटे तौर पर पैथोलॉजी में क्या क्या होता है। तो या तो हमारे शरीर में रचनात्मक कुछ परिवर्तन आते हैं, there is an alteration in structure, we call it anatomical or structural problem. दूसरा हो सकता है कि functional problem हो, physiology में कोई alteration हो, या हमारे मन के साथ कोई समस्या हो, तब जाकर के हम ये तीन तरह की पैथोलॉजी हो सकती है। और इस पैथोलॉजी को हम अलग अलग तरीके से उसको समझने के बाद कि कहाँ और कितने अंश में हमारे एनाटॉमी में, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट में प्रॉब्लम है, कितना हमारे फंक्शनल एस्पेक्ट में इफेक्ट है, उसको समझने के बाद हम अलग अलग आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और शुद्धि क्रियाएं जो हैं और योग की दूसरी प्रक्रियाएं हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं और उस पैथोलॉजी में परिवर्तन ला करके हम उस एबनॉर्मालिटी को नॉर्मल कर सकते हैं। योग हमारे आसपास अगर हम कहीं पर भी देखें तो हम शायद रोग योग के ज्ञान से, योग से घिरे हुए हैं। आज जो परिस्थिति है हमारे,
उसमें हम योग से घिरे हुए हैं। अगर हमें चाहिए तो अलग अलग माध्यम से योग शास्त्र जो है वो हमारे तक पहुंच सकता है, लेकिन उसमें हमें ये जानना आवश्यक है कि उसमें ऑथेंटिक, उसमें वास्तविक जो शास्त्रोक्त आधारभूत क्या हो सकता है। और यहाँ पर जो योगिक थेरेप्यूटिक्स की जो हम बात करने वाले हैं उसमें मूल हम हठ प्रदीपिका के जो अध्याय है उसमें पांचवा एक अध्याय है। हठ प्रदीपिका जो है वो दो तरह की उपलब्ध है, एक में चार अध्याय है एक में पांच अध्याय, ज्यादातर चार अध्याय वाली हठ प्रदीपिका ही उपलब्ध है। लेकिन एक उसका एडिशन जो मिलता है कैवल्य धाम लोनावला से, वहां पर उसका पांचवा अध्याय भी उपलब्ध है, और वह पांचवा अध्याय ही अपने आप में पूरा एक योग चिकित्सा विज्ञान है। और ये देखिए कि हमारे आयुर्वेद शास्त्र में जैसे वात पित्त और कफ के स्थान बताए गए हैं, कुछ ऐसे ही और उससे काफी जिसका साधर्म्य है ऐसे ही वात पित्त कफ के स्थान योग में भी उस अध्याय में बताए गए हैं कि लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज हैविंग वात डोमिनेंस, मिडल पित्त कोष्ठ और अपर इज कफ। तो ये उनके खुद के स्थान बताए गए हैं। और जैसे हम जानते हैं कि रोगों की एक मूल जो है वो सामान्य एक संप्राप्ति होती है, वैसे ही एक संप्राप्ति प्रदीपिका में बताई गई है, प्रमादात योगिनो वायु उन्मार्गेण प्रवर्तित तदा मार्गम मनस्याद्य ग्रंथि भूत्वाद प्रतिष्ठते तदा नाना विधा रोगा जायन्ते विघ्न। जहां तक केयरलेसनेस या नेग्लिजेंस ऑफ योगी की बात है, तो यहाँ पर उन्होंने योगी की बात की है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये दूसरे लोगों को लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि योग चिकित्सा मूलभूत जो योग करने वाले हैं या जो योग का अभ्यास करेंगे योगी बनेंगे तभी वो योग चिकित्सा, खुद की भी योग चिकित्सा तभी हो पाएगी, इसीलिए ये योगी के संदर्भ में बताया गया है। और नेग्लिजेंस या केयरलेसनेस से हम ले सकते हैं इसको, हम प्रज्ञापराध या असात्मेंद्रियार्थ संयोग भी कह सकते हैं। तो उससे होता क्या है, तो हमारे शरीर में मूल रूप से वायु प्राण उसकी एक विकृत गति एबनॉर्मल मूवमेंट होती है। यहाँ पर हमें ये जानना आवश्यक है कि यहाँ पर जो प्राण बताया गया है वो सिर्फ प्राण ऑक्सीजन से या हमारे प्राण वायु से संबंधित नहीं है। यहाँ पर योग मार्ग में जो प्राण की बात बताई गई है वो प्राण का अर्थ है हमारी वाइटल एनर्जी, हमारे पूरे शरीर में जो भी ऊर्जा है, जो हमारे शरीर के जो अंग प्रत्यंग है, जितने भी सिस्टम्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उन सबको जो चलाती है वो ऊर्जा, वह एनर्जी ही वास्तव में प्राण है। और हम जानते हैं कि उसी में ऑल्टरेशन होता है तभी तो पैथोजेनेसिस डेवलप होता है। अलग अलग तरीके से जब वाइटल फोर्स, हमारी वाइटल एनर्जी जो है उसमें कुछ भी व्यवधान होता है तभी हमारे शरीर में रोग उत्पत्ति होती है। तो उसमें क्या क्या हो सकता है, या ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है या मिसडायरेक्शन हो सकता है, वह या तो अपने मार्ग को छोड़कर दूसरे मार्ग में जा सकता है या कहीं पर वो रुक जाती है तो आगे नहीं बढ़ पाती। तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में जो है उसका संचय होता है, उसका परिणाम होता है कि हमारे शरीर में अलग अलग विकार उत्पन्न होते हैं। अब कुछ उदाहरण बताए गए हैं, ऐसा नहीं है कि यही इन टोटल है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं।
कि उन्मार्द प्रस्थितो वायु पित्त कोष्ठे यदा स्थित, जब पित्त कोष्ठ में वो वायु जाता है तो क्या क्या हो सकता है। तो बेसिक पैथोजेनेसिस उन्होंने बताई है कि रतशूल, पार्श्वशूल, पृष्ठशूल ये हो सकते हैं। वहां पर जो बॉडी पार्ट्स हैं, जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें एक या दूसरी व्याधि हो सकती है। ट्रीटमेंट के अंदर भी देखेंगे, ये सारे रेफरेंसेस, ये सारे संदर्भ जो हैं, वो हठ प्रदीपिका से हैं। तो देखिए, जैसे हम पेन में, शूल में वायु का, वायु के शमन के लिए तैलभ्यंग का प्रयोग करते हैं, वहां पर भी उन्होंने उसी की बात की है कि हम तैलभ्यंग कर सकते हैं, स्नानम च उष्णे न वारिना, हॉट वाटर, वार्म वाटर बाथ ले सकते हैं, सगृदम पायस भुक्त्वा, घी के साथ पायस, खीर, उसका प्रयोग कर सकते हैं। और स्निग्ध आहार प्राय मोस्टली हम जो है, चूंकि मूल रूप से वहां पर वायु जो है वो वायु विकार उत्पन्न कर रहा है, तो हम स्निग्ध आहार का प्रयोग कर सकते हैं। सो इस तरीके से उसमें पथ्य आहार विहार यह हो सकता है। उसके बाद यहां पर ये ध्यान देने योग्य बात है, जब पित्त स्थान में वायु है तब योग अभ्यास जो करना है, जो चिकित्सा बताई जाएगी, जो बताई जानी है यहाँ पर, उसको करना है जीर्णे अन्ने, आफ्टर द डाइजेशन ऑफ वॉट एवर वी हैव कंज्यूम्ड, हमने पहले ले लिया है उसका डाइजेशन होने के बाद ही यह अभ्यास करना है। इसमें क्या क्या अभ्यास कर सकते हैं, तो योग मार्ग में चिकित्सा के लिए जो सिद्धांत बताया है उसमें मुख्य सिद्धांत है, यस्मिन यस्मिन यदा देशे रुजा बाधा प्रजायते तस्मिन देशे स्थितम वायु मनसा परिचिन्तये। तो वो जो प्राण है, वो प्राण की जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को हमें एक जगह केंद्रित करना है, और कहाँ केंद्रित करना है, जिस स्थान में हमें कोई भी रुजा या बाधा है, जहां पर भी पेन है, जहां पर भी पैथोजेनेसिस है, तो उस पैथोजेनेसिस वाले जो स्थान है, जहां पर विकृति है, उस विकृत स्थान पर हमें वायु को केंद्रित करना है, वहां पर हमें ध्यान को केंद्रित करना है। प्रोसेस क्या होगी, मेथड क्या होगी, तो कंसंट्रेशन करना है जहां पर भी प्रॉब्लम है। तो हमें जब भी इस चिकित्सा का प्रयोग करना है, योग चिकित्सा का, तो हमें उस पेशेंट को, उस व्यक्ति को हमें बताना पड़ेगा कि वहां पर क्या स्ट्रक्चर है, कैसा है, और उसके ऊपर कंसंट्रेशन करना है उसको, और कंसंट्रेशन करते हुए क्या करना है, पूरयत पूरके पूर्णतु निशेषम रेचकम कुर्यात यथाशक्त्या प्रयत्नतः। यहाँ पर सिर्फ यही ध्यान रखना है, देखिए जब पित्त स्थान में वायु जा रहा है तब वहां पर कॉन्सेंट्रेट करना है, पूरा पूरक करना है, यू हैव टू हैव फुल इनहेल देन निशेष रेचकम, फुल एक्सेल, और एक्सेल करने के बाद फुल एफर्ट से, फुल कैपेसिटी से उसको रोकना। यहां पर बहिर्कुंभक है, दो यहां पर नियम हमें याद रखने हैं। पहला नियम है कि भोजन के बाद ही, भोजन के पाचन के बाद जब तक उसका डाइजेशन नहीं होता, हमें योग प्रक्रिया नहीं करनी है। और योग प्रक्रिया में करना क्या है, तो कंसंट्रेशन, ध्यान हमारा उस भाग में रहेगा जहां पर विकार है। और प्रोसेस क्या करनी है, तो पहले पूरा इनहेल करना है, फिर पूरा एक्सहेल करना है, फुल एक्सहेल, उसके बाद एक्सहेल करने के बाद बहिर्कुंभक करना है, और टू द मैक्सिमम कैपेसिटी। तो ये चिकित्सा में प्रयोग कर सकते हैं। बहुधा रेचकम कृत्वा पूरयित्वा पुनः पुनः कर्षयेत् प्राक् स्थितं वायुं कर्णतोयं विवम्बुना। और जिस तरीके से हम किसी भी स्थान को, जहां पर पानी भरा है, तो पानी को निकालने के लिए बहुत सारा पानी डाल करके उसको साफ कर सकते हैं, इसीलिए ये एग्जाम्पल दिया है कर्ण तोयम विवाम्बुना।
उसी तरीके से बहुधा रेचकम कृत्वा पूरयित्वा पुनः पुनः, बार बार यही प्रक्रिया को दोहराना है, हर बार पूरा पूर्ण पूरक करना है, फिर मैक्सिमम पूर्ण रेचक करना है, रेचक करने के बाद सांस रोकना है, बाह्य कुंभक करना है और इसको दोहराते जाना है। उससे शूलादयो रोगा शाम्यन्ति वात पित्त जाहा, वात पित्त जो विकारों में इस तरीके से हम चिकित्सा कर सकते हैं। कफ में क्या करेंगे, तो कफ में जो विकार है उसमें रक्त रोग, कास, हिक्का, श्वास, शिरशूल ऐसे रोग हो सकते हैं। जब कफ स्थान में वायु जाएगा वहां पर भी भुक्त्वा पायससम, लेकिन उष्ण या फिर उष्ण दूध जो है वो घी के साथ लेना है, आहार यहां पर यही दिखाया है। लेकिन यहां पर सम्यक भोजन मादाय, भोजन के तुरंत बाद यहां पर रुकना नहीं है। पित्त स्थान में अगर वायु जा रहा है, प्राण जा रहा है, तब भोजन के पाचन होने के बाद, मतलब हमें रुकना है, पित्त को अपना कार्य कर दे देना है, उसके बाद ही ये शुरू करना है योग का अभ्यास। यहां पर भोजन के तुरंत बाद उपस्पृश्यम तदंतरम कुंभकम धारणम कुरिया द्वित्रिवारम विचक्षण एवं श्वासादय। अब यहां पर कुंभक धारण करना है, सांस लेकर के यहां पर आंतर कुंभक करना है। उसके अलावा एक अलग ही ध्यान की धारणा की एक विधि बताई गई है, जिसको कि वारुणी धारणा बोलते हैं। ये धारणा जो है हमारे कंठ देश में एक विष्णु जल तत्व है और उसमें विष्णु का वम बीज है, उस मंत्र का उच्चारण करते हुए हमें उस धारणा को करना है। उससे कुष्ठ जैसे रोग जो है उससे हमें निजात मिल सकती है। और उस वारुणी धारणा को जब आंखें बंद करके करते हैं तो नेत्र रोग, तिमिर जैसे नेत्र रोगों से भी हमें निजात मिल सकती है, उसमें भी फायदा हो सकता है। इसके अलावा जब योगी को वेपथु, वात रक्त ऐसे कोई भी रोग हो, तो वहां पर हर जगह पर मूल जो सिद्धांत है योग चिकित्सा का वो यही है, यत्र यत्र रुजा बाधा तत्र वायुं विचिन्तये। वहां पर जो वायु है, वहां पर जो प्राण है, उस प्राण की ऊर्जा के ऊपर ही धारणा करनी है, वहां पर ही कॉन्सेंट्रेशन करना है, और उस कॉन्सेंट्रेशन से हम उन विकारों से मुक्त हो सकते हैं। और कॉन्सेंट्रेशन के दौरान हमें क्या क्या करना है, वहां पर पूरक करना है, पूरक करने के बाद धारण करना है, हमको सांस रोकना है यथाशक्ति, और उसके बाद नाड़ी योगे न, मतलब दोनों नोस्ट्रिल से उसको बाहर निकालना है। इसके अलावा जब हम एक्सहेल करते हैं तब हम एब्डोमिनल जो वॉल है उसको इनवर्ड स्ट्रेच भी कर सकते हैं, जिसको हम उड्डयन बंद बोलते हैं। तो जब हम एक्सहेल करते हैं नाड़ी योगे न, मतलब दोनों नोस्ट्रिल से जब हम एक्सहेल कर रहे हैं, तब एक्सहेल के दौरान हमें अपनी एब्डोमिनल वॉल को रिस्ट्रेन करना है, खींचना है अंदर की तरफ। और दूसरी एक मेथड है कि हम पूरक करने के बाद अपने एब्डोमिन को गोल गोल घुमा भी सकते हैं। पूरक करने के बाद जो डायफ्राम और रेक्टस एब्डोमिनस मसल है उसकी हेल्प से, उसकी मदद से हम उसको घुमा सकते हैं, और घुमाने के बाद हम रोग से मुक्त हो सकते हैं। इसके अलावा प्राणायाम आमतौर पर हम बैठे बैठे कोई भी ध्यान धारणात्मक आसन में करने के आदि होते हैं, पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्थासन, ऐसे कोई भी आसन करते हुए हम प्राणायाम करते हैं। लेकिन उस प्राणायाम को अगर हम सुपाइन पोजीशन में, शवासन में करें, तो वह हमारे रोगों की शांति के लिए, दोषों की शांति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। इसीलिए ये एक मेथड बताई गई है, उत्तानो अथ समय देशे ततम कृत्वा तु विग्रहम प्राणायामम प्रकुर्वीत सर्व दोष प्रशांतये। तो इस विधि से भी हम प्राणायाम करके और
मूल जो सिद्धांत है योग में चिकित्सा का वह एक ही है, जहां पर भी एबनॉर्मालिटी है, रुझा बाधा है, वहां पर उस जगह पर हमें कॉन्सेंट्रेट करना है। साइकोलॉजिकल ट्रबल्स हैं, बीति बाधा अंतराय, इसका मतलब होता है फियर एंड अदर सच हर्डल्स, वो सब साइकोलॉजिकल है। तो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, वहां पर क्या करना है, तो वहां पर इसी चीज को पुनः पुनः ज्यादा से ज्यादा दोहराना है, इसी प्रक्रियाओं को हमें ज्यादा से ज्यादा दोहराना है, स्पेशली आसन और प्राणायाम। तो उससे जो है वो मनोविकारों से मुक्ति मिल सकती है। और अंत में योग चिकित्सा जो है, योग चिकित्सा का प्रमुख मूलभूत जो सिद्धांत है वह सिर्फ इतना ही है कि हम प्राण जो है उस प्राण की ऊर्जा को या तो हम एक्सपांड करें या मॉडिफाई करें या नियंत्रण में लाएं या उसका हम इस्तेमाल करें, उसका हम उपयोग करें रोग की शांति के लिए, रोग के शमन के लिए। इसमें जो मूल बातें हैं, इसमें दो चीजें हैं, एक प्राण की ऊर्जा है, प्राण ना हमारे शरीर की जो ऊर्जा है, वाइटल फोर्स है, वो वाइटल फोर्स हमारे शरीर के जहां पर भी विकृति है, जहां पर भी एबनॉर्मालिटी है, उस एबनॉर्मालिटी को करेक्ट करने के लिए जब हम उसके साथ कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, तब वह प्राण की ऊर्जा उस एबनॉर्मालिटी को, उस ट्रबल को दूर करती है, एक चीज। दूसरा इसमें जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं सेल साइकी। जैसे हमारे शरीर में हम जानते हैं कि एक मन है, वैसे ही हमारे हर एक कोश में एक मन है, और हर एक सिस्टम का, हर एक ऑर्गन का, हर एक टिश्यू का एक कलेक्टिव माइंड बनता है। तो उस कलेक्टिव माइंड को, कलेक्टिव साइकी को हम इससे, इस कॉन्सेंट्रेशन की पद्धति से, इस कॉन्सेंट्रेशन मेथड से जागरूक करके और उसके साथ प्राण को जोड़ करके हम उस एबनॉर्मालिटी से मुक्ति पा सकते हैं। हमारे ऑर्गन, हमारे टिश्यू या हमारा सेल जो माल फंक्शन कर रहा है, उस माल फंक्शन को हम, उस सेल साइकी को अवेक करके, कॉन्शियस बना करके उससे हम निजात पा सकते हैं। विद दिस, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट टू द फार्मास्यूटिकल एंड द पीपल, थैंक्स अ लॉट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। आई होप दिस सेशन वुड बी ओपन फॉर ऑल टू हैव एनी क्वेश्चंस, इफ एनी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया और आपका सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रहा, क्योंकि हम लोग भी काफ़ी कंफ्यूज रहते थे कि कैसे क्या होता है, तो आज बहुत ही अच्छी तरीके से आपने समझाया। वी आर वेरी थैंक यू फॉर योर सेशन सर। हम अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम सेकेंड स्पीकर जो है हमारे वैद्य कौशिक बी व्यास सर, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप आए और अपना आयुर्वेद के प्रति आपकी जो राय है, आपका जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर कुछ बोले। पर आपका सेशन शुरू करने के पहले मैं थोड़ा आपके बारे में बोलना चाहूँगा सभी को। आप व्यास सर जो है, मेरा निवेदन है आप लोगों से, प्लीज आप लोग म्यूट कीजिए अपने माइक्स को, थैंक यू। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज बड़ौदा के, आपके पास में 8 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, तो मैं चाहूँगा कि अब व्यास जी को मैं स्टेज देता हूँ, प्लीज आप आगे का प्रोग्राम कंटिन्यू करें। व्यास जी नमस्कार। थैंक यू कुशवा सर, वेलकम टू प्लीज। माई सेल्फ वैद्य कौशिक बी व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ शल्य तंत्र गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज वडोदरा,
I welcome to all delegates. Now I am going to presentation my today's topic, OPD-based anorectal practice. Thank you. My sincere thanks to my principal sir, Dr. Bharat Kalsaria sir, and Jandu Pharmacy for giving me opportunity. First, I convey my tribute to Lord Dhanvantri, who is bestowing of Shalya Tantra and all Ashtanga Ayurveda. What is anorectal disorders? They are occurring anus and rectum, so called as anorectal disorders. एनस एंड रेक्टम जो हमारा गुदा का भाग होता है वहां वो उत्पन्न होता है, इसलिए उसको एनोरेक्टिक डिजीज कहा जाता है. मोस्ट पीपल एक्सपीरियंस फ्रॉम सम फॉर्म ऑफ एनोरेक्टिक डिजीज ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम. हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में कोई ना कोई एनोरेक्टिक डिजीज होता ही है, ये WHO का कथन है. दिस डिजीज आर एक्सट्रीमली पेनफुल एंड डिस्टर्ब वंस लाइफ. ये डिजीज है वो पेनफुल है एंड लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं. पेशेंट आल्सो फीलिंग शाय टू कंसल्ट टू डॉक्टर एंड से टू फैमिली मेंबर. एक शर्म जैसा रहता है कि वो खुद अपने फैमिली मेंबर को और अपने कंसल्टेंट को बता नहीं पाता. मेनली टाइल्स फिशर फिस्टुला पॉलिप पेपुला प्रोलैप्स एब्सेस ये सब डिजीजेस है. क्यों एनोरेक्टिक डिजीज ही क्यों मैंने चुना? तो ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है. ये जो सेंचुरी है वो लाइफस्टाइल डिजीजेस की सेंचुरी है. यहाँ डाइट एंड लाइफस्टाइल से डिजीज उत्पन्न होता है. इसका इंसिडेंस रेट बहुत हाई है और यंग एडल्ट में ये डिजीज होता है. मींस अर्निंग लाइफ, घर में कमाने वाला हो या वाइफ हो, 25 से 50 के बीच की उम्र की लोग हो, उसको होता है. तो पूरा घर उस पर डिपेंड होता है, या मेल हो या फीमेल हो. और उसको अगर डिजीज हुआ तो वो कुछ काम नहीं कर पाएगा, वो बेड रिडन हो जाएगा. इसलिए ये अर्निंग एज का डिजीज है और वेरी पेनफुल कंडीशन है. फर्स्ट वी ओवरव्यू द सर्जिकल एनाटॉमी ऑफ एनस एंड रेक्टम. एनल कैनाल 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड फ्रॉम द रेक्टम टू एंड एट द एनल ओरिफिस. द मिड ऑफ एनल कैनाल रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म. ये पिक्चर में हम देख रहे हैं वो एनल कैनाल और रेक्टम की एनाटॉमी है. उस ही जगह पे ये डिजीज अकर होते हैं. अब हम ओपीडी बेस्ड एनोरेक्टल प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं कि हमारे बीएमएस फ्रेंड्स या हमारे शल्य की प्रैक्टिस करने वाले मित्रों के पास अगर कोई ओपीडी पेशेंट आए तो क्या कर सकते हैं. दो पोजिशन मैंने यहाँ लिखी हुई है. एक लिथोटोमी पोजिशन है ऊपर वाली, और नीचे वाली फिगर में है सिम्स पोजीशन. अगर हमारे पास लिथोटोमी पोजीशन की व्यवस्था नहीं है तो हम सिम्स पोजीशन में भी एनोरेक्टल एग्जामिनेशन कर सकते हैं. सर्जन की ओर से आयुर्वेदिक शल्य तंत्र के हिसाब से मैं कहूंगा कि एनोरेक्टल का पेशेंट हमारे पास एनोरेक्टल की कंप्लेंट लेके आता है और विदाउट एग्जामिनेशन हम उसको अगर दवाई लिख देते हैं तो हम क्राइम कर रहे हैं. वो एक क्राइम है. हमें अगर हमारे पास लिथोटोमी की सबूत नहीं है तो लेफ्ट लेटरल, राइट लेटरल, नी एल्बो, पिकर पोजीशन, कोई भी पोजीशन देके हम उसकी एग्जामिनेशन करेंगे, बाद में ही हम आगे बढ़ेंगे. पेबल, लाइट ग्लोव, पहले क्या करेंगे हम इंस्पेक्शन करेंगे, फिर डिजिटल एग्जामिनेशन करेंगे विद ब्लड इंजेक्ट फिंगर, देन प्रोक्टोस्कोपी if needed, then sphygmoidoscopy. Digital examination में ध्यान क्या रखना है कि gloved finger से हम pulp insert करेंगे और हमें 4 सेंटीमीटर तक की ही anal canal examine करनी है. उसमें tiles, fissure, fistula, polyp, papilla वो सब diseases है, internal opening of fistula वो सब उसमें आ जाएंगे. और फिर प्रोक्टोस्कोप, मार्केट में बहुत सारे प्रोक्टोस्कोप अवेलेबल है जो आयुर्वेद में अर्शो यंत्र और भगनेर यंत्र के नाम से है. तो
प्रोक्टोस्कोप विथ और विदाउट इल्यूमिनेटिंग, एनोस्कोप भी है, और फिर प्रोब अगर जरूरत पड़ी तो, मेलिएबल प्रोब, नॉन मेलिएबल प्रोब, प्रोब डायरेक्टर, ये सब अवेलेबल है, वो हमें हमारी ओपीडी में रखने हैं। कॉमन एनोरेक्टल कंडीशंस क्या होगी, क्या होती है? एनल फिशर, हेमरॉइड्स, पाइल्स बोलते हैं जिसको, प्रोरेटस एनी, फंगल इन्फेक्शन की वजह से इचिंग होना, प्रोरेटस एनी मीन्स एनोरेक्टल एब्सेसेस, एनल फिस्टुला, रेक्टल प्रोलैप्स, एनल इनकॉन्टिनेंस, नॉन मैलिग्नेंट स्ट्रिक्चर्स एंड एनल एंड रेक्टल नियोप्लाज्मा। द कॉमन एनल सिम्टम्स, फर्स्ट सिम्टम्स इज अल्टर्ड बोवेल हैबिट, आइदर हार्ड स्टूल और वॉटरी स्टूल। हार्ड स्टूल को जिसने हम सिंपल लैंग्वेज में कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, वॉटरी स्टूल डायरिया लाइक सिम्टम, एनल ब्लीडिंग। ब्लीडिंग में भी पेशेंट को हम पूछेंगे कि स्टूल के साथ आता है, डेफिकेशन से पहले ब्लड आता है, डेफिकेशन के बाद में ब्लड आता है, फ्रेश ब्लड आता है, ब्राउनिश ब्लड आता है या ब्लैकिश स्टूल आता है, स्ट्रिपिंग ऑन द स्टूल, ब्लड वो स्टूल पे चिपका हुआ रहता है, ड्रॉप्स से आता है या धार होती है पिचकारी की तरह, कैसे ब्लड आता है वो हम पूछेंगे। एनल पेन एंड डिस्कम्फर्ट, कटिंग पेन, शूटिंग पेन, थ्रॉबिंग पेन, किस हिसाब से, आयुर्वेद के हिसाब से तोड़ भेद, किस तरह की वेदना है वो हम पेशेंट को पूछेंगे। पेरियनल इचिंग एंड इरिटेशन, कंटिन्यू इचिंग या म्यूकस डिस्चार्ज से या पस डिस्चार्ज से इरिटेशन होगा और इचिंग रहेगी। पेशेंट बोलेगा समथिंग कमिंग डाउन, वो बोलता है कि पेशेंट बोलेगा कि मैं जब स्टूल पास करता हूं तो कुछ फूला हुआ मुझे लगता है, या फिर फूले का फूला ही बाहर रहता है, जो सेंट्रल पाइल है, एक्सटर्नल पाइल है, वो बाहर ही बाहर रहेंगे। जो इंटरनल पाइल्स है वो बोलेगा पेशेंट कि मैं जब स्टूल पास करने जाता हूँ तब पाइल्स जैसा बाहर आ जाता है, और स्टूल पास कर लेता हूँ तब वापस चला जाता है, या मैं हाथ से अंदर भेज देता हूँ। तो प्रोट्रूजन ऑफ मास ड्यूरिंग डेफिकेशन, पेरिएनल डिस्चार्ज, फर्स्ट डिस्चार्ज, म्यूकस डिस्चार्ज, ये सब कॉमन एनल सिम्टम्स रहेंगे। जो फर्स्ट सिम्टम हमने देखा था कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन एनोरेक्टल डिजीज का मेन कारण है, और कॉन्स्टिपेशन ही उसका होने के बाद कंप्लेंट भी है, या मींस निदान भी है और लक्षण भी है। तो कॉन्स्टिपेशन मतलब क्या, देखिए चार का परिवार, एक घर में अगर चार लोग रहते हैं तो दो को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहेगी ही, वो माने या ना माने वो बात अलग है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दो को तो मिनिमम रहेगी। तो फ्रीक्वेंसी नॉर्मल कितनी बार जाना चाहिए, 24 आवर्स में आइडियली एक से दो बार, एक दिन में, अहोरात्र में, कोई एक बार दो तीन दिन में जाता है वो भी एबनॉर्मल है, 24 घंटे में 5-6 बार जाता है वो भी एबनॉर्मल है। कंसिस्टेंसी, स्टूल की कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए, आइडियली टूथपेस्ट लाइक, सेमी सॉलिड बोलते हैं जिसको, उससे हार्ड है या उससे सॉफ्ट है, वॉटरी है तो भी एबनॉर्मल माना जाएगा। ड्यूरेशन टाइमिंग, हम एनिमल्स को देखते हैं, डॉग्स को, कैट्स को, काउ, बफेलो, सबको, वो फ्यू सेकंड में अपना स्टूल पास करता है। जब इंसान को देखते हैं तो आधा घंटा, 45 मिनट तक टॉयलेट सीट पे बैठा रहता है। तो आइडियल ड्यूरेशन हम 5 to 15 minutes रख सकते हैं, उससे ज्यादा है तो कॉन्स्टिपेशन में जाएगा। विद और विदाउट ड्रग्स और फूड, लोगों को क्या हैबिट होती है कि उठ के 2-3 गिलास पानी पी लिया, ताम्र के पात्र में रखा हुआ पानी पी लिया, गरम गरम दूध पिया, चाय पी, कॉफी पी, या फिर नाश्ता किया, उसके बाद स्टूल पास करने जाना पड़ता है, या फिर कोई एडिक्टेड रहता है तो सिगरेट है, बीड़ी है, टोबैको है, वो खाने के बाद ही उसको मोशन आता है, तो वो सब कॉन्स्टिपेशन में आएंगे। विद और विदाउट स्ट्रेनिंग, टॉयलेट सीट पे लिखा होता है इतना जोर एग्जाम में करता तो आज तू इंडिया का टॉपर होता। तो विद और विदाउट स्ट्रेनिंग, लोग इतना स्ट्रेन करते हैं तो वो भी कॉन्स्टिपेशन में माना जाएगा। पोजिशन फॉर डेफिकेशन, आइडियल पोजिशन कौन सी है, इंडियन पोजिशन इज आइडियल,
क्योंकि उसमें दो फायदे होते हैं, एक तो अपना थाई पोर्शन है उसका प्रेशर एब्डोमिन में जाएगा, और दूसरा है 90 डिग्री का एंगल बनेगा एनस और अर्थ की सरफेस में, इसलिए इजीली इवेक्यूएट हो जाएगा। तो स्क्वेटिंग पोजीशन इज आइडियल। कॉन्स्टिपेशन के लिए डायग्नोस के लिए डिजिटल स्टूल चार्ट वर्ल्ड वाइड यूज होता है। ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, चेंज इन डाइट एंड लाइफस्टाइल। देखो डाइट एंड लाइफस्टाइल डिजीज में मेडिसिन का रिजल्ट उतना ही मिलता है, टेम्पररी मिलता है, सिम्टोमेटिक मिलता है। तो कॉन्स्टिपेशन डाइट एंड लाइफस्टाइल से उत्पन्न हुआ व्याधि है, इसलिए डाइट में आयुर्वेद में बोला है मधुर अम्ल लवण रस युक्त आहार ज्यादा देना है, स्निग्ध आहार ज्यादा देना है, पूरे जो आहार विधि विशेष आयतन है उसमें फॉलो करना है। लाइफस्टाइल में संक्रमण है, व्यायाम है, अपने प्रकृति के हिसाब से आसन प्राणायाम है, वो भी हमें इंक्लूड करने हैं। यूज नॉन हैबिचुअल ड्रग्स इफ नीडेड। अगर कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट ज्यादा है, डाइट लाइफस्टाइल इंप्रूव करने से ठीक नहीं होता, तो टेम्पररी हम नॉन हैबिचुअल ड्रग जैसे हरितकी है, त्रिफला है, ये सब रसायन ड्रग है, हम यूज कर सकते हैं। आयुर्वेद अनुसार उदावर्त एवं स्नेहपान विधान, स्नेहन करा सकते हैं उसको, आस्थापन और अनुवासन बस्ती का भी उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट है। पुरुष जनन द्रव्य जैसे कि इसबगुल है वगैरह भी हम यूज कर सकते हैं। अब दूसरे डिजीज की ओर चलते हैं हम, फिशर इन एनो। फिशर मोस्ट कॉमन पैथोलॉजी है एनोरेक्टल की, डिफाइन एज ए लॉन्गिट्यूडिनल टीयर, 6 o'clock 12 o'clock में लॉन्गिट्यूडिनल टीयर, लंबा अल्सर कहां पे होता है, स्किन से लेके म्यूकोसा ऑफ एनल कैनाल, कॉमनली पोस्टीरियर मिडलाइन, एंटीरियर मिडलाइन में भी फीमेल में होता है लेकिन मोस्ट कॉमन है पोस्टीरियर मिडलाइन, कॉमन इन फीमेल देन मेल, फीमेल में ज्यादा होता है मेल से। लेटरल फिशर इज रेयर, लेकिन ये कम्युनिटी है, और जो सिस्टमिक डिजीजेस है लाइक अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रोन्स डिजीज है, ट्यूबरक्लोसिस है, मैलिग्नेंसी है, उसमें लेटरल फिशर भी पाया जाता है। इटियोलॉजिकल फैक्टर, पॉजिटिव फैक्टर ऑफ फिशर इन एनो, टीयरिंग ऑफ एनल लाइनिंग बाय ओवर डिस्टेंशन ऑफ एनल कैनाल ड्यूरिंग पैसेज ऑफ हार्ड स्टूल। हार्ड स्टूल के कारण एनल कैनाल का डिस्टेंशन हुआ है, प्राइंग ऑफ एनस बोल सकते हैं, इतना हार्ड स्टूल आया तो टीयर हो गई एनल म्यूकोसा। टीयरिंग ऑफ एनल वाल्व और फाइब्रस पॉलिप, लेसरेशन ऑफ एनल कैनाल बाय शार्प फॉरेन बॉडी, एक्सेसिव स्ट्रेन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, प्रेगनेंसी में ड्यूरिंग डिलीवरी भी फिशर उत्पन्न होता है। उसके दो टाइप है, एक्यूट एंड क्रॉनिक, जैसे अल्सर के एक्यूट और क्रॉनिक टाइप है। यहाँ जो हम फिगर देख रहे हैं वो क्रॉनिक फिशर है, जो पाइल जैसा बन गया है वो सेंटिनल गार्डिंग पाइल है, उसको गार्डिंग पाइल्स बोलते हैं। तो एक्यूट एनल फिशर इज नॉट ट्रीटेड बिकम अ क्रॉनिक। क्रॉनिक में सेकेंडरी चेंजेस होंगे लाइक सेंटिनल पाइल उसमें डेवलप हो जाएगा, इंटरनल साइड मीन्स डेंटेड लाइन की और एनल पेपिला उत्पन्न हो जाएगी, एनल कैनल नैरो हो जाएगी, आइडियली एनल ओरिफिस जैसे हमें मुंह का ओरिफिस 4 finger तक खुल सकता है, इस तरह एनल ओरिफिस 2 finger तक हम उसको ओपन कर सकते हैं, लेकिन एनल नैरोइंग इतनी हो जाएगी कि लिटिल फिंगर भी मुश्किल से अंदर जा सकती है। फिर सेकेंडरी इंफेक्शन होके सपुरेशन हो सकता है, जो आयुर्वेद में अर्शो भगंदर बोला है फिशर फिस्टुला, वो डेवलप हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स में पेन, कॉन्स्टिपेशन, ब्लीडिंग, डिस्चार्ज। यहाँ कॉन्स्टिपेशन एज अ फीचर है, वो तो है, फीचर में क्यों रहा, क्योंकि पेशेंट एनस पाजन करेगा, उसका स्फिंक्टर ओपन ही नहीं होगा जितना होना चाहिए, इसीलिए स्टूल वहां एक्युमुलेट ही रहेगा। फिजिकल फाइंडिंग में हम देखेंगे कि स्किन से शुरू होके डेंटेड लाइन तक लॉन्गिट्यूडिनल अल्सर दिखेगा, गार्डिंग पाइल्स में सेंटिनल टैग दिखेगा, डेंटेड लाइन की ओर पेपिला दिखेगी और इंटरनल स्फिंक्टर का स्पाज्म रहेगा। अब ट्रीटमेंट, एक्यूट फिशर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएगा, उसके लिए स्टूल सॉफ्टनर लैक्सेटिव यूज कर सकते हैं, सिट्स बाथ विथ
lukewarm water or ideally have panchvalkal kwath or nindapatra augasu. Ointment and suppository Ayurveda में बहुत अच्छा result है उसका. आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की हम बात करेंगे तो हम यूज करेंगे. सर्जिकल ट्रीटमेंट है फोर फिंगर डायलिटेशन मींस लॉर्ड्स एनल डायलिटेशन एनल स्ट्रेचिंग फिशरेक्टोमी एंड पोस्टीरियर स्फिंक्टरेक्टोमी एंड लेटरल इंटरनल स्फिंक्टरेक्टोमी. ये उसकी सर्जिकल मैनेजमेंट है. नेक्स्ट डिजीज की ओर हम जाते हैं. हेमरॉइड पाई मींस सिनोनिम है एक्सटर्नल और इंटरनल. ऊपर की फिगर में हम जो देख रहे हैं वो है एक्सटर्नल हेमरॉइड मींस थ्रोम्बस पाइल्स. नीचे की फिगर में जो दिख रहा है हमें मंचूरियन जैसा वो है इंटरनल हेमरॉइड्स. दे आर डायलिटेशन ऑफ सुपीरियर हेमरॉइडल वेन और सुपीरियर हेमरॉइडल प्लेक्सिस अबोव द डेंटेड लाइन. इंटरनल हेमरॉइड अबोव द डेंटेड लाइन ओरिजिन होगा. एक्सटर्नल हेमरॉइड स्किन के ऊपर मींस एनल स्किन है एनल वर्ज है उसकी वहां डेवलप होगा. टिश्यू आर्टरी म्यूकोजा वो सब इन्वॉल्व रहेगी इंटरनल हेमरॉइड में. एक्सटर्नल हेमरॉइड में स्किन इन्वॉल्व होगी. अब लोकेशन के हिसाब से उसके पार्ट्स डिवाइड होंगे. राइट एंटीरियर राइट पोस्टीरियर राइट एंटीरियर राइट पोस्टीरियर एंड लेफ्ट लेटरल. 11 o'clock 7 o'clock 3 o'clock जिस हिसाब से वास्क्युलेचर है उस हिसाब से ये टाइप रखी है. बाकी जगह अगर बाकी 5 o'clock 4 o'clock 8 o'clock सभी जगह हेमरॉइड हो सकते हैं लेकिन 3, 7, 11 o'clock है वो प्राइमरी पाइल्स कहे जाएंगे. बाकी जगह जो पाइल्स हो रहे हैं वो सेकेंडरी पाइल्स होंगे. पाइल्स इंटरनल पाइल्स की डिग्री है जैसे फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री. फर्स्ट डिग्री इंटरनल हेमरॉइड मीन्स पेशेंट को ब्लीडिंग होगा पेन नहीं होगा और वो कभी बाहर नहीं आएगा स्ट्रेनिंग में लेकिन प्रोक्टोस्कोपी करेंगे तो हम विजुलाइज कर सकते हैं. सेकंड डिग्री में पेशेंट डेफिकेशन करेगा तब बाहर आ जाएगा लेकिन पेशेंट डेफिकेशन के बाद खुद में खुद अंदर चला जाएगा और ब्लीडिंग थोड़ी बढ़ जाएगी. थर्ड डिग्री में बाहर आ जाएगा लेकिन खुद अंदर नहीं जाएगा वो हाथ से दबा के अंदर डालना पड़ेगा. फोर्थ डिग्री में अंदर जाएगा ही नहीं कितना भी आप प्रेशर लगाएंगे वो आजू बाजू के टिश्यू के स्किन के साथ एडहेरेंट हो जाएगा. तो ये 4 डिग्री हेमरॉइड है. इटियोलॉजी ऑफ हेमरॉइड यहाँ वेस्टर्न टॉयलेट सीट रखी हुई है और पुष्ठयान बाइकर्स जो हार्ड क्लॉथ मींस जींस जैसे हार्ड कपड़े पहन के बाइक राइडिंग करते हैं और इंडियन रोड अभी भी उतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है तो पुष्ठयान जैसा ही हो गया. हेरिडिटरी फैक्टर भी है. पहले एलोपैथी वाले नहीं मान रहे थे अर्श में डायबिटीज वगैरह में मान रहे थे आज वो भी कह रहे हैं कि माँ और बाप अगर किसी को भी हेमरॉइड की तकलीफ है तो बच्चे को आ सकती है क्योंकि हमारा अंग अवयव बीज भाग अवयव हम माँ और बाप से ही बनता है और माँ और बाप में अगर जिस ऑर्गन की अंग अवयव की विकृति है तो वो बालक में आएगी व्यक्त भले जन्मोत्तर कालज हो मीन्स आइधर बहुत साल मीन्स 30 साल के बाद 40 साल के बाद 50 साल के बाद व्यक्त हो लेकिन बीज तो वहीं पड़े होंगे. प्रेगनेंसी चरक ने कारण दिया है अर्श का कि गर्भावस्था में फिजियोलॉजिकली हेमरॉइड डेवलप होते हैं ड्यू टू ग्रेविड यूट्रस. ग्रेविड यूट्रस के प्रेशर के कारण पाइल्स डेवलप होते हैं. स्ट्रेनिंग व्यक्ति बहुत स्ट्रेन करेगा प्रवाहन करेगा. एनाटॉमिकल फैक्टर्स हेमरॉइडल वेन में वाल्व नहीं है जैसे लेग पैर की वेन में वाल्व होते हैं बाकी पूरे शरीर की वेन में वाल्व होते हैं हेमरॉइडल वेन में वाल्व नहीं होते हैं. इसीलिए वो अगर वहां पे प्रेशर ज्यादा है तो वो पूरी एम्प्टी नहीं हो पाएगी और वहां ब्लड रहेगा ही इसीलिए वो एंगोर्जमेंट एनलार्जमेंट हो जाएगा. पोर्टल कंजेशन अगर पेशेंट को अल्कोहलिक लिवर डिजीज है पोर्टल हाइपरटेंशन है तो रिवर्स बेक आएगा इसीलिए पूरी एम्प्टी नहीं होगी. और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन पेशेंट को अगर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है तो म्यूकोजा और वेन एनलार्ज होकर हेमरॉइड बनेगा. क्लिनिकल फीचर्स है ब्लीडिंग ड्यूरिंग डेफिकेशन प्रोलैप्स ड्यूरिंग डेफिकेशन डिस्चार्ज विथ रेटिस एनी
पेन और थ्रोम्बोसिस, ये सब उसके क्लिनिकल फीचर्स में आएंगे। और उसके डायग्नोसिस और असेसमेंट करेंगे, पहले हिस्ट्री लेंगे, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। व्हाई नीडेड? बिकॉज मेनी टाइम्स पेशेंट कम विथ एनोरेक्टल कंप्लेंट बट ही और सी वाज सफर्ड विथ अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज। पेशेंट कहेगा कि मुझे ब्लड आ रहा है, मुझे पेट में दर्द है, लेटरिन की जगह कुछ दिक्कत है, लेकिन उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज भी हो सकता है। और मेन है जो रेक्टल कार्सिनोमा है, रेक्टल कार्सिनोमा के इंसिडेंस रेट बहुत ज्यादा है, और हम अगर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन ना करें तो हम मिस डायग्नोस हो सकते हैं, क्योंकि अगर एब्डोमिनल और इंग्वाइनल एग्जामिनेशन करेंगे तो लिम्फ नोड एनलार्ज हो सकती है और हम उसको रूल आउट कर सकते हैं। फिर डिजिटल एग्जामिनेशन है, फिर प्रोक्टोस्कोपी है, सिग्मोस्कोपी है, और प्रॉपर ट्रीटमेंट ना होने से कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न हो जाएगा हेमरेज में। आफ्टर सर्जरी भी और ड्यूरिंग सर्जरी भी होता है, प्रोफ्यूज हेमरेज होगा और एक्यूट थ्रोम्बोसिस भी डेवलप हो सकता है। ट्रीटमेंट ऑफ पाइल्स, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ऑफ पाइल्स फर्स्ट और सेकंड डिग्री में आए हुए ट्रीटमेंट में बहुत अच्छे रिजल्ट है, नियर अबाउट फर्स्ट और सेकंड डिग्री है। और आए हुए ट्रीटमेंट करते हैं तो 92-95% पेशेंट को इम्प्रूवमेंट मिल सकता है। स्पिटिंग पोजिशन इज द बेस्ट मोडालिटी फॉर कॉन्स्टिपेशन एंड अदर एनोरेक्टिव डिजीज। और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है इंजेक्शन थेरापी, जो स्क्लेरोसेंट इंजेक्शन फिनोल विथ आलमंड ऑयल, अभी तो एस्केरो एमप्यूल प्रिपेयर्ड आती है, उसको डायरेक्ट डायल्यूट करके इन्फिल्ट्रेट कर देना होता है सभी के जान। अभी ध्यान क्या रखना है कि ये ओपीडी बेस्ड ट्रीटमेंट है, स्किल्ड हैंड है आपका, तो आप उसको रूटीन में यूज कर सकते हैं। दूसरा है बेरन रबर बैंड लाइगेशन, बेरन बैंड लाइगेशन भी आप ओपीडी लेवल में यूज कर सकते हैं। पेशेंट को लिथोटोमी देके पाइल गन आती है, उससे उसके रूट में कर सकते हैं। क्रायो सर्जरी, एक्सपर्ट हैंड हो आपको क्रायो सर्जरी की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तो फिर फ्रीज कर देना है नाइट्रस गैस से, CO2 लेजर है, लॉर्ड एनल डायलिटेशन है। अगर एनल डायलिटेशन कर दिया और उस पेशेंट के जो दूसरे कंप्लेन है, प्रोट्रूजन ऑफ मास, ब्लीडिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, स्पाज्म है, वो दूर हो गया, तो सर्जरी की जरूरत भी नहीं पड़ सकती। डायलिटेशन इज अ मस्ट और वेरी गुड थिंग फॉर हेमरेज एंड फिशर इन एनल, एंड लास्ट रिसोर्स इज हैंडेड एक्सट्रैमी। अब नेक्स्ट डिजीज पे जा रहे हैं, एनोरेक्टल एब्सेस, इन्फेक्शन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू सराउंडिंग एनल कैनाल, वो एब्सेस कैविटी फॉर्मेशन करेगा, पायोजेनिक एब्सेस रहेगा। एंड एब्सेस, एनोरेक्टल एब्सेस में क्या होता है कि वे सेकेंडरी फिशुलस ट्रैक में डेवलप हो जाता है। इटियोलॉजी, वो कॉमन ऑर्गेनिज्म इज ई कोली, एंट्रोकोकस एंड बैक्टेरियोसिस। क्लिनिकल फीचर ऑफ एब्सेस, पेरिएनल पेन जो मूवमेंट में और प्रेशर में इंक्रीज होगा, कोलाइटिस, अनवेल रहेगा पेशेंट, फीवर रहेगा विथ चिल्स एंड राइजर, साइन रहेगी उसके स्वेलिंग है, सेलुलाइटिस, इंड्यूरेशन मींस हार्डनेस, फ्लक्चुएशन। क्लासिफिकेशन ऑफ एनोरेक्टल एब्सेस, 60% रहेगा पेरिएनल एब्सेस, 20% इस्टियोरेक्टल, 5% इंटरस्फिंक्टरिक, 4% सुप्रालेवेटर और 1% सबम्यूकोसल। जो लोकेशन है उसके, उसका डायग्राम दिया है, उस हिसाब से रहेंगे। मैनेजमेंट ऑफ एनोरेक्टल एब्सेस, ये मेडिसिन से क्योर होने वाली पैथोलॉजी नहीं है, एज अर्ली एज हमें उसको आईएनडी करना है, वरना बैक्टीरियमिया, पायमिया, सेप्टिसेमिया भी हो सकता है अगर हम डिले करें तो। मेनली स्मॉल एब्सेस है तो क्रूशिएट इंसिजन इन मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट, फिर ड्रेसिंग। अगर एनोरेक्टल एब्सेस में हमें मस्ट ध्यान रखना है, खास ध्यान रखना है कि फिशुला इंटरनल ओपनिंग तो नहीं है ना, वरना हम आईएनडी करेंगे, पैकिंग करेंगे और रिकरेंस होगा। तो फिशुला इंटरनल ओपनिंग को फाइंड करके फिर हमें कंप्लीट ट्रीटमेंट करनी है। एब्सेस के कॉम्प्लिकेशन में जो होता है फिशुला इंटरनल, उसकी डेफिनेशन हमें ऐसे करेंगे कि ट्रैक लाइन बाय ग्रेनुलेशन टिश्यू विच कनेक्ट एनल कैनल और रेक्टम एंड स्किन ऑफ पेरिनियम, पेरिनियम की स्किन और एनस के बीच में जो कम्युनिकेटिंग ट्रैक बन गया उसको कहेंगे हम फिस्टुला ऑफ फिस्टुलाइन एनल। एनल एब्सेस के बाद ही बनता है,
etiology है वो अनसर्टेन है अभी, मेनली क्रिप्टोग्रैनुलर इन्फेक्शन पाया जाता है, और जो क्रॉनिक डिजीज है लाइक क्रॉन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, कार्सिनोमा एंड लिम्फोग्रैनुलर, उसमें सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन के रूप में फिस्टुला पाया जाता है। उसके टाइम अकॉर्डिंग टू क्लिनिक हम ट्रीटमेंट करें उस हिसाब से, हम ऊपर की जो फिगर देख रहे हैं वो सबक्यूटेनियस टाइप है, उसकी इंटरनल ओपनिंग डेंटेड लाइन से स्किन की ओर है तो उसको लो एनल कहेंगे, और जिसकी इंटरनल ओपनिंग डेंटेड लाइन से ऊपर एनस में या फिर रेक्टम में हो उसको हम हाई एनल कहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट हम दो ही टाइप याद रखेंगे। ये बात करी हमने कॉन्टेम्पररी एलोपैथी साइंस, अब हम आयुर्वेद साइंस पर आते हैं। एनोरेक्टिक डिजीज आयुर्वेद फर्स्ट अर्श, अर्श की डेफिनेशन करेंगे, अरिवत प्राण सुनोति हिमस्ति इति अर्श, जो शत्रु के माफक हमारे प्राण को हरता है, नाश करता है वो अर्श है। टाइप्स चरक शुद्धापट में डिफरेंट टाइप्स दिए हैं, जैसे सहज, जन्मोत्तर काल, शुष्क श्रावी, वाति कफ, रक्त सन्निपात और सहज, अभ्यंतर एवं बाह्य। निदान मंदाग्नि मुख्य निदान है, क्योंकि अर्श अतिसार और ग्रहण इवन उदर हो मंदाग्नि के बिना नहीं हो सकता, और पॉजिटिव फैक्टर रहेंगे पुष्टयान, वेग विदारण, उत्कट उपासन एक्सेट्रा। लक्षण दोषानुसार दिए गए हैं, साध्यता सहज सन्निपात और तृतीय वलि, इसमें होने वाला असाध्य है बाकी सब साध्य है। अर्श की चिकित्सा, यहाँ जो चरक का औषध चिकित्सा सूत्र मैंने दिया है, यद वायु अनुलोम्याय यद अग्नि बलवृद्धयः, अर्श की चिकित्सा आप करें कोई भी अर्श हो, हमने आगे जो टाइप्स देखे इसमें, तो वायु का अनुलोमन फर्स्ट ध्यान रखना है, और दूसरी ऐसी चीजें देनी है कि अग्नि की बल की वृद्धि हो, उस इस तरह का अन्नपान, इस तरह का औषध नित्य और शशांक, वो सब नित्य हितकार है। सुश्रुत का चिकित्सा सिद्धांत है, वो चार प्रकार है, औषध चिकित्सा, क्षार चिकित्सा, अग्नि चिकित्सा एवं शस्त्र चिकित्सा। जो औषध साध्य है नवीन उत्पन्न और अल्प लक्षण दोष उपद्रव, औषध से ठीक होता है। शुष्क अर्श है वो अलग मोडालिटी दी हुई है कि अगर शुष्क अर्श है तो उदावर्त विधान में कर सकते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट उसकी अग्निगर्म करनी है। श्रावी अर्श है जिसमें रक्त श्राव होता है, कफज और नहीं पित्तज और रक्तज अर्श, उसमें रक्त पित्त विधान से ट्रीटमेंट करनी है, और उसमें क्षार कर्म एवं शस्त्र कर्म इंडिकेटेड किया है। आभ्यंतर अर्श, आभ्यंतर अर्श अकॉर्डिंग टू सुश्रुत जो अर्श बाहर नहीं आते, प्रवाहन की पर भी बाहर नहीं आते, वो आयुर्वेद के अनुसार आभ्यंतर अर्श है, वो औषध साध्य है। बाह्य अर्श में क्षार अग्नि एवं शस्त्र कर्म, अगर जो बाहर आ गया है उसमें क्षार कर्म, अग्निकर्म एवं शस्त्र कर्म इंडिकेटेड है। भिन्न कोष्ठ, द्रवमल प्रवृत्ति है हो रही है अर्श वाले पेशेंट को, उसमें अतिसार की चिकित्सा करनी है, और जिसको हाथ बोवेल ठीक आ रहा है, कठिन मल प्रवृत्ति होगी, सहत मल आ रहा है, उसको हम उदावर्त विधान से ट्रीटमेंट करेंगे। ये सब ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग आयुर्वेद में मल्टीपल योग दिए हुए हैं, जो इन्हें कंडीशन लिखी है, आप अपनी अवेलेबिलिटी अनुसार कोई भी पेटेंट योग या शास्त्रोक्त योग यूज कर सकते हैं और अच्छी रिजल्ट ले सकते हैं। अर्श में संप्राप्ति विघटन ये सब औषध योगों से ही होगी, सर्जरी करने से अर्श का पेशेंट ठीक हो गया ऐसा नहीं। अब हम औषध और पथ्य पथ्य देखेंगे। अर्श में श्रेष्ठ औषध शुष्क अर्श के लिए भरथल्ला तक कहा गया है, सावी अर्श के लिए कुटज कहा गया है। चक्र प्रयोग विबंध में और वात श्लेष्मज अर्श में चक्र से चक्र का बहुत यूज किया है। गुड़ हृत की बेस्ट मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट पित्त श्लेष्म अर्श में दी गई है। सूरण पुष्पा, देखो सूरण सब्जी खाने से इतना रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना रिजल्ट सूरण के पुष्पा से मिलेगा, तो सूरण पुष्पा या फिर शास्त्रोक्त सूरण योग हो, जैसे सूरण वटक सारंगर ने बताया है, वो सब सर्व अर्श में उपयुक्त है। वार्ता बैंगन जो लोग बोलते हैं उससे अर्श होगा, लेकिन घृत भ्रष्ट बैंगन खाने का शास्त्र में बोला है। कृष्ण तिल का सेवन है, सीताम्बू का सेवन है, वो सब अर्श में लिखा हुआ है। प्राणदा गुटी का, कांकायन वटी, गुड़ भल्ला का, ये सब योग है, अर्श में बहुत अच्छा रिजल्ट है। रक्तार्श में नवनीत का उपयोग है, तिल का उपयोग है, कुटज अवले है, चांगेरी घृत, ये सब रक्तार्श में दिए हैं।
और रस औषधि में बहुत सारे योग भी दिए हैं, जैसे अर्श पिठार रस वगैरह, भगंदर चिकित्सा, भगंदर के निदान आदि अर्श के समान ही है, लेकिन उसकी अकॉर्डिंग टू संप्राप्ति, पीड़ता है तो विद्रति के अनुसार छेदन भेदन वगैरह चिकित्सा करनी है। अगर भगंदर हो गया तो उसकी छेदन भेदन एवं क्षार सूत्र चिकित्सा आयुर्वेद में दी हुई है, उसके योग कार्षिक गुगलू, त्रिफला गुगलू, समिक गुगलू, वो सब मूल योग दिए हुए हैं। अपथ्य अर्श और भगंदर में कॉमन अपथ्य दिए हैं और एक साल तक इस सबसे परहेज करना है। वेग धारण, स्त्री सेवन, पुष्टयान, उत्कटिकासन, अजीर्ण व्यायाम, युद्ध, गुरु आहार, ये सब एक साल तक छोड़ना है। वर्तमान में हम क्या चिकित्सा यूज कर सकते हैं? अग्निदीपन के लिए, क्योंकि अग्नि मानते तो रहता ही है सब डिजीज में, चित्रकादिवती है, इंगवाष्टक है, सुरक्षा पाचन चूर्ण है, सूरण वटक है, जैसे सूरण है सर्व अर्श में यूजफुल है, चंदू वगैरह अच्छी फार्मेसी के सूरण वटक मार्केट में अवेलेबल है, वो भी हम यूज कर सकते हैं। वातानुगमन के लिए हरिचक्की है, अभ्यासन है, स्वादिष्ट विवेचन चूर्ण, दीनदयाल चूर्ण, आयुपति का चूर्ण, कोई भी हम यूज कर सकते हैं। बाल गर्भिणी और मृदुकोष्ठी है तो उसके लिए त्रिफला है, आर्यवर्ध हम यूज कर सकते हैं। मृदुकोष्ठी है तो कटु की पित्त विरेचक द्रव्य भी हम यूज कर सकते हैं। पेशेंट को शोथ एवं वेदना है तो त्रिफला गुगली एवं अन्य गुगली योग भी हम यूज कर सकते हैं। पेशेंट को रक्तस्राव अगर हो रहा है तो नाग केसर, लोत्र, आमलकी, पुष्यानुग चूर्ण वगैरह रक्त स्तंभक द्रव्य भी यूज कर सकते हैं। स्थानिक चिकित्सा अवगाह स्वेदन, अर्श, भगंदर और अकॉर्डिंग टू एलोपैथी 22 फीसर फिस्टुला में और एब्सेस में और स्वेदन इज अ कंपल्सरी और मस्ट। अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो नींब पत्र तो मिल जाएंगे आसपास, उससे अवगाह स्वेदन कर लो। हल्दी चूर्ण, हल्दी का चूर्ण तो घर पे रहता ही है, वो गर्म पानी में डाल के, गुनगुने पानी में डाल के अवगाह स्वेदन लेना है। त्रिफला क्वाथ, पंचवल्कल क्वाथ, उस सब का अच्छा रिजल्ट है, उससे अवगाह स्वेदन लेना है। जात्यादि तेल घृत वो भी हम यूज कर सकते हैं लोकल एप्लीकेशन के लिए। अर्श है तो काशी सादी तेल का बहुत अच्छा रिजल्ट है, फिर मलहर कल्पना में अशोहर मलहर है, जात्यादि मलम है, एरंड स्नेह वगैरह भी हम लोकल एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। हम लोग फीसर और हेमरोइड में 5 ml 210 ml मात्रा बस की बीडी मीन सुबह और रात को यूज करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और साइज भी रिड्यूस होती है। सिर्फ बात करेंगे और बने बनाए ऑइंटमेंट, जो ऑइंटमेंट आयुर्वेद का है जिसमें काशी सादी ऑयल, जात्यादि तेल, काशी सादी तेल, ये सब तेल इंग्रेडिएंट है, ऐसा कोई भी हम यूज कर सकते हैं। फूलन है, एमरोइड है, उस सबका रिजल्ट बहुत अच्छा है। आयुर्वेद में जो अर्शोघ्न कषाय दिया हुआ है, महाकषाय जिसमें है चित्रक है, हरितकी है, बिल्व है, उसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट लेके जो भी पेटेंट योग दिए हैं वो टेबलेट भी हम यूज कर सकते हैं। जो मार्केट में अवेलेबल है लेक्सेटिव पाउडर भी यूज कर सकते हैं। ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग बंद करने के लिए जो पेटेंट योग आते हैं, स्टिप्लोन वगैरह, वो भी हम यूज कर सकते हैं इफ नीडेड, क्योंकि ये सब इमरजेंसी ट्रीटमेंट है। और अगर आपको ये सब ट्रीटमेंट से इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो टेम्पररी कॉन्टेम्पररी साइंस की जो भी मार्केट में अवेलेबल है, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, होमोस्टेटिक, वो भी हम यूज कर सकते हैं। एब्सेस और फिस्टुला के पेशेंट में मेडिसिन से एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, उसमें सर्जरी तुरंत इंडिकेटेड कर देनी है। जो हम अच्छा एक इमेज देख रहे हैं वो सब हैप्पी है, क्यों? क्योंकि उनको एनोरेक्टल कंप्लेंट नहीं है। लेकिन ये बात याद रखना है कि 99% ऑफ एडल्ट सफर्ड विद एनोरेक्टल प्रॉब्लम। अगर मुझे एनोरेक्टल प्रॉब्लम अभी तक नहीं हुआ है तो ईश्वर की बड़ी कृपा है, और वो भी फ्यूचर में ना हो इसीलिए मुझे क्या ध्यान रखना है, तो माइंड में आपको हमेशा रखना है। धन्यवाद सभी सर्जन के गुरु जैसे धन्वंतरी भगवान को, उनकी जन्मना से नमस्कार करता हूँ। थैंक यू सो मच प्रिंसिपल सर, गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज वडोदरा एंड जनरल फार्मेसी टू गिव मी अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया। वाकई में मतलब जो भ्रम था इस डिसीज के बारे में वो आपने काफी
और अब मैं ऑडियंस से चाहूंगा कि किसी को भी कुछ क्वेश्चन व्यास सर से पूछना हो या भट्ट सर से पूछना हो तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स? चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं अगर पूछना नहीं है तो। ठीक है, इतने सुंदर ढंग से समझाया गया है अजय, वाकई मैं वो ही कह रहा था इनसे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आप लोगों का नमस्कार। नमस्कार जी सर, डॉक्टर शांतनु पौराणिक, ईवा कॉलेज ऑफ आयुर्वेद। वेलकम सर। मैं यहाँ पर एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर में वर्क कर रहा हूँ। मेरा सब्जेक्ट है अगर तंत्र, एनोरेक्टल्स में मैं वर्क करता रहा हूँ। एक ये केवल क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि काफी लोग हैं जो कि इस विषय की गंभीरता को नहीं समझते हैं, और ये खास तौर पर हम अर्श को लेकर नहीं भगंदर को लेकर अगर बात करते हैं तो भगंदर पाश्चात्य विज्ञान के लिए तो बहुत बड़ी एक समस्या है। और जो लोग एक वृहद मस्तिष्क और एक हृदय रखते हैं ऐसे एलोपैथिक डॉक्टर हमको भगंदर के लिए पेशेंट्स को रेफर करते हैं कि इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ आपको चार सूत्र के द्वारा ही संभव है। तो मैं केवल ये चाह रहा हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो कि इस विषय की ज्यादा गंभीरता से नहीं समझ रहे हैं, तो आप क्योंकि इस विषय के निष्णात हैं तो आपके द्वारा ये उन लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। तो आप उससे मेरा केवल ये प्रार्थना है कि आप उसमें ये समझाएं कि भगंदर उनके लिए इतनी बड़ी समस्या क्यों बनी हुई है और क्या कारण है कि भगंदर जो है उसका रिकरेंस ज्यादा होता है एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बावजूद भी। थैंक यू पौराणिक सर। भगंदर जैसे हमने आगे भी स्लाइड में देखा था कि भव बुद्ध बस्ती प्रदेश धारणा के आयुर्वेद में डेफिनेशन है, लेकिन एलोपैथी साइंस है ना उसको मेनली हाइलर फिस्टुला जो रिकरेंट रेट होता है क्योंकि उसका इंटरनल ओपनिंग अबव द डेंटेड लाइन होता है और वो एक्सीजन करते हैं फिस्टुला में। अगर फिस्टुला में उन्होंने पूरा एक्सीजन कर दिया तो इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा, इसलिए वो लोग डरते हैं तो पार्शियली एक्सेस की तरह आईएनडी करके छोड़ देते हैं, थोड़ा बहुत स्ट्रेटनिंग करके पूरा नहीं दिखाते। और अगर इंटरनल ओपनिंग तक उन्होंने कट नहीं किया पार्ट तो क्या होगा, रिकरेंस होने ही वाला है, भले आप 5 महीने ड्रेसिंग करो या 6 महीने ड्रेसिंग करो। दूसरी अगर कोई एलोपैथी सर्जन ने एक्सरसाइज कर दिया पूरा ट्रैक तो लाइफ टाइम का इनकॉन्टिनेंस रहेगा। वो 50 साल का या 30 साल का व्यक्ति जिंदगी भर डायपर पहन के घूमेगा या फिर कोलोस्टोमी करनी पड़ेगी और वो स्टूल बैग जैसे यूरिन बैग लेके लोग घूमते हैं वो फिकल बैग लेके घूमेगा। तो अगर अभी 4 से 5 एलोपैथिक के डॉक्टर की मैंने आयुर्वेदिक सर्जरी की हुई है वो मींस आते ही मेरे पास है, अभी एक वीक पहले ही मैंने एक जनरल प्रैक्टिशनर सीनियर सर्जन को ऑपरेशन किया, सर मुझे चार सूत्र से ही कराना है। तो अभी तो एलोपैथिक डिजीज में क्या हुआ है कि आयुर्वेद वाले अगर एलोपैथी के पास भेजेंगे तभी वो एलोपैथी के पास जाएंगे, वरना एलोपैथिक डिजीज में तो लोग की अवेयरनेस इतनी हो गई है कि आयुर्वेद में जैसे मैं अभी बहुत कॉलेज में काम करता हूँ 50-70 पेशेंट की ओपीडी पर डे हमारी है, सुबह 50 रहते हैं शाम को 20 रहते हैं, तो 70 पेशेंट हम देखते हैं पर डे, उसमें से मान लो 50% हम एनोरेक्टिव के देखते हैं। तो पेशेंट को तैयार मेंटली फिजिकली तैयार होकर ही आता है कि मुझे आयुर्वेद से करना है। और स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट तो 100% कन्विंस है और वो भी करते हैं क्योंकि इनकॉन्टिनेंस इतना मेजर है। मैं एक पेशेंट की बात करता हूँ 2015 में जब मैं नडियाद कॉलेज में था वो मेरे पास आया था, वो कैनेडा का ग्रीन कार्ड होल्डर था, इंडियन ही था लेकिन वहीं रहता था। उसको 8 बार कैनेडा में सर्जरी हुई उसकी, 2 बार यूएसए में हुई और अभी उन्होंने फिस्टुला की। अभी डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि अभी तुम कोलोस्टोमी करा लो, अब सर्जरी ना कराओ। उसके सगे जीजाजी नडियाद में जनरल सर्जन थे, उनकी सिस्टर एनेस्थेटिक थी, तो फिर भी वो मेरे पास लेके आए पेशेंट को, हमने नडियाद की हॉस्पिटल में एडमिट किया, करीब 1.5 महीने तक एडमिट रखा क्योंकि वो फिर पूरा ठीक होने के बाद ही जाने वाला था वापस कनाडा। वो स्ट्रेचर पे आया था,
खुद चल के गया, वो क्रॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस से सेकेंडरी कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला था जिसको 5 सीटोन लगे हुए थे। बैंड आता है जिसे हम 4 सूत्र रखते हैं, एलोपैथी वाला सीटोन रखते हैं, 5 सीटोन लगे हुए थे, सब हमने रिमूव किया और वो जनरल सर्जन एनेस्थेटिक वो सब साथ ही थे ओटी में मेरे, टोटल क्योर होके। और 2015 की बात है, आज 2021 हुई, अभी वो लाइव कॉन्टेक्ट में है मेरे। आज तक उसको न अल्सरेटिव कोलाइटिस की कंप्लेन हुई, न क्रॉन्स की हुई और न फिस्टुला रिकरेंस हुआ। ये ब्यूटी ऑफ आयुर्वेद है। और मैं अभी बोलता हूँ कि ये शास्त्र बचा क्यों है, अनादि शास्त्रों से इसलिए तो बचा, लेकिन अगर यूजफुलनेस नहीं होती ना तो ये बचता नहीं। अभी उपयोगी है, इसीलिए तो लोग आज कोरोना में अमेरिका में इतना डेथ रेट और इंडिया में नहीं, क्यों? क्योंकि इंडिया में आयुर्वेद है इसीलिए बच रहे हैं। तो पौराणिक सर, मैं चाहता हूँ, मुझे लगता है कि आपके आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। जी सर, ये क्वेश्चन एक्चुअली मेरा स्टूडेंट्स के लिए था, स्टूडेंट के लिए था, मैंने अच्छा पूछा सर। और हेमरोज में भी यही है कि हेमरोज में एलोपैथी सर्जन हमें ना 4 सूत्र के और मिनिमम इनकी कट काट कूट करते हैं हम लोग, तो क्या है कि रिकरेंस कम रहता है। और दूसरा कि जो पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग, पोस्ट ऑपरेटिव हेमरेज, और दूसरा सबसे हेमरेज में सबसे ज्यादा दिक्कत जैसे फिस्टुला में इनकॉन्टिनेंस होता है, तो हेमरेज में क्या होता है, एनस स्ट्रिक्चर पोस्ट ऑपरेटिव एनस स्टेनोसिस वो बन जाता है। लेकिन आज तक मान लीजिए कि पर मंथ मुझे 20-30 में इंडिविजुअल ऑपरेट करता हूँ, पूरे डिपार्टमेंट के तो 50-60 से ज्यादा हो जाते हैं, तो 8 साल से कर रहा हूँ, हर महीने में 20 ऑपरेशन कर रहा हूँ, जामनगर में पीजी में भी कर रहा था, आज तक एनस स्टेनोसिस का एक भी पेशेंट नहीं हुआ। दूसरा क्या फायदा कि फर्स्ट डे ऑपरेशन के तुरंत बाद हम जाते भी तेल की मात्रा बस्ती चालू कर देते हैं, फिर एनल डायलिटेशन विद जाते भी ग्रिच और जाते भी मलम कर देते हैं, तो कोई भी पोस्ट ऑपरेटिव कंप्लीट भी नहीं होती। और सेकेंडरी जो स्मॉल टाइल्स रहते हैं ना, फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री, वो तो इससे ही ठीक हो जाते हैं, वो वैसे ही चले जाते हैं, रिकरेंस रेट भी नहीं होता। इसके अंदर मैं एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा, अगर इस प्रकार की अगर लगातार अगर जाति अधिकृत वगैरह की अगर बस्ती भी देते रहते हैं या तेल की भी बस्ती रहते हैं, तो इससे इलास्टिसिटी ऑफ एन जो रहता है वो वापस से रीगेन हो जाता है और फिर से पुनः प्राकृतिक अवस्था में आ जाता है, जिससे कि उनको पुनः इस प्रकार की रिकरेंस होने की संभावना न गण्य हो जाती है, फिर दोबारा होने की संभावना पूरी तरह से चली जाती है। तो सही बात है सर, ठीक होने के बाद भी हम एक महीने तक मात्रा बस्ती चालू रखते हैं, और वो तो आज हमने साथ में बोला है आयुर्वेद में मात्रा बस्ती। जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको मैंने तकलीफ दी, माफी सर, आपके कारण सबको मदद मिला, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं फेसबुक पे तो आपकी पोस्ट देखता रहता हूँ, लेकिन अब मुलाकात आज हमारी हुई। नहीं बिल्कुल, और मेरे लिए कुछ भी सेवा हो तो आप वरिष्ठ हैं, आप कभी भी आज्ञा कर सकते हैं। 100% सर, क्योंकि मुझे सौराष्ट्र में तो बहुत आना जाना रहता है, अभी आपकी विजिट कर ली। बिल्कुल सर, अभी मैं सुरेंद्रनगर में देखता हूँ, सुरेंद्रनगर में मेरा 1 या 2 डेज होता है, शर्मा सर से कॉन्टेक्ट में रहता हूँ, और झंडू से मेरा टॉक्सिकोलॉजी के ऊपर मेरा वर्क हुआ है, मैं डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर वर्क करता हूँ, जहर खिलाता हूँ विशेष से विषम औषधम के सिद्धांत के आधार पर, और क्रॉनिक डिफॉर्मिटीज के ऊपर वर्क करता हूँ। नहीं, अगर आप 4 और 20 का औषध यूज नहीं करेंगे ना, 20 को औषधि के रूप में नहीं देंगे और 4 को औषधि के रूप में नहीं देंगे ना, तो फास्ट रिजल्ट मिलेंगे नहीं। अगर आपको क्विक रिजल्ट चाहिए तो 20 देना ही है, जैसे वसनाग भला तक कितने सारे आयुर्वेद लोगों ने, वसनाग इज गुड फॉर हेमरेज ऑल्सो। सर मेरे पास में अभी काकड़ कुष्ठ का पेशेंट था और मैंने उसको क्षार चिकित्सा दी है, और अभ्यंतर और बाह्य दोनों क्षार चिकित्सा दी है, और काकड़ कुष्ठ में अभी बिल्कुल भी उसको पूरी तरह से स्किन प्लेन हो गई है, और अब वो कुष्ठ के लक्षण नहीं मिल रहे हैं, और अब उनको केवल जाति अधिकृत से ही मैं उनको ड्रेसिंग करवा रहा हूँ, और अब वो पूरी तरह से एक व्रणवत जो है उसकी चिकित्सा हो रही है। तो क्षार की बहुत अच्छी गई, इसकी गरिमा अलग है और महिमा अलग है। धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू, बहुत धन्यवाद अगेन सर, थैंक यू शांतनु सर। सर कैसे हैं सर? जी सर बिल्कुल सर, अच्छा हूं मैं, बहुत आपने ताकि हम लोगों को और भी इससे नॉलेज मिली है, तो थैंक यू, आपका सेशन बहुत अच्छा रहा, गंडू बहुत अच्छा काम कर रहा है,
सर का तो निश्चित व्यास सर का बहुत अच्छा योगदान है इस सब में, और आगामी आने वाली हमारी पीढ़ी जो है वो आयुर्वेद की महत्व को समझे, और जो डाइवर्शन जो हो रहा है आयुर्वेद के विद्यार्थी जो है वो एलोपैथ की प्रति श्रद्धा ज्यादा रखते हैं, उनको ये होना चाहिए कि हम लोगों को पकड़ के रखना, उनको वापस अपनी वस्तु स्थिति का अवगत करवाना, ये हम लोगों का दायित्व है।